हाँ भाई नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है और फटाफट फड़ से सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइए भैया सभी को गुड मॉर्निंग भैया गुड मॉर्निंग हाँ भैया तो हो गए क्लास को ज्वाइन कर लिया आपने करे क्लास को स्टार्टअप एक बार कनेक्ट हो जाइए फिर करते हैं हाँ भाई तो अब यहाँ पे फटाफट -फड़ से कनेक्ट हो जाइए फिर अपन क्लास को करते हैं शुरू ऑडियो वीडियो एकदम प्रॉपर है कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से तो हाँ भाई एक बच्चे ने एक सवाल पूछा है मेरे से कि सर एक छोटा सा क्वेश्चन ना बताइए अब वो सवाल क्या है सवाल तो खैर ना के बराबर है लेकिन पूछा है सवाल उसको बता देते हैं अपन है ना आओ भाई तो अब यहाँ पे ये सवाल था और वो सवाल कौन सा बच्चे ने पूछा है वो मैं एक बार देख लेता हूँ नितेश ने पूछा है वो सवाल एक सवाल अपन ने पीछे किया था ना आपको याद हो थोड़ा बहुत तो हालांकि अब सवाल के बारे में पता तो कैसे रहेगा हाँ भाई ये रहा वो सवाल यही है याद दूर नहीं था ये रहा उस बच्चे ने सवाल ये करा कि सर ये बात मेरे को समझ में नहीं आई कि करा क्या है अपन ने ठीक है मुझे बताओ हालांकि इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं ऐसी कि आपको समझाने का कुछ मैटर इसके अंदर हो कमेंट करो भैया किस किस बच्चे को इस सवाल में प्रॉब्लम थी और आपने पूछी नहीं कमेंट कर दो आपके पास में कमेंट का ऑप्शन आता है उस कमेंट के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा आपको तो खेर क्या पता चलेगा मुझे पता चल जाएगा आपको समझ में आया था या नहीं आया था ठीक है अब यहां पे बताओ भी कमेंट करके एक बार कमेंट करके एक बार मुझे बता दीजिएगा हाँ भाई तो अब यहां पे ध्यान सुनो अगर किसी को समझ में आ गया तो अच्छी बात है जिसको नहीं आया है वो बिल्कुल कान खोलकर सुन लेगा देखो यहां पर अपन ने क्या करा था एलिमेंट और वो कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट तत्सम अवयोग को प्रूफ करने के लिए हमने दो एलिमेंट माने थे वन और ई टू दो एलिमेंट वन और ई टू ठीक है अब आप ध्यान से देखो मेरे पास में जो वन एलिमेंट है वो तो है आपका राइट हैंड आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक है राइट यानी कि आप बोल सकते हो कि दाएं तरफ का तत्समक अवयव है ये बाई तरफ का तत्सम अवयव है अब यार कोई सा भी एलिमेंट हो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है अगर मेरे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट है तस्म का व्यव है तो चाहे वो आपका राइट वाला हो चाहे वो आपका लेफ्ट वाला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिंपल सी बात है वो तो आपका काम करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट का ही तो बस हमने यहाँ पे प्रूफ क्या किया है देखो और इसका ध्यान रखना कि ये मेरे पास में ऊपर एक क्वेश्चन किया था एक थ्योरम करी थी उसमें ए स्टार एक्स बराबर बी और y स्टार a बराबर b ठीक है इसका ध्यान रखना ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा चलो अब हमने देखा कि लेट माना कि हमारे पास में b बिलोंग टू g सेट g में बिलोंग करेगा तो b स्टार ईवन ठीक है तो मैंने यहाँ पे देखा कि यार b स्टार ईवन बराबर में कुछ करूँ तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे b का जो मान है वो यहाँ से उठाया y स्टार a y स्टार a मल्टीप्लाई में ईवन मल्टीप्लाई में ईवन ठीक है अब देखो बी स्टार ईवन मेरे पास सही चल रहा है इधर कोई दिक्कत नहीं है इधर हमने सोलू किया थोड़ा बहुत इसको देखा ध्यान से वाई स्टार ए स्टार ई ठीक है अब ए स्टार ईवन का जो मान है ए स्टार ईवन का मान है मेरे पास में ए तो मैंने कर रख दिया ए और वाई स्टार ए का मान कितना है यहाँ से बी तो अब यहाँ पे इससे प्रूफ ये हुआ कि बी को जब मैंने even से मल्टीप्लाई करा या फिर ऑपरेट करा मैंने तो मेरे पास बी का मान ही निकल के आया है इसका मतलब ईवन यहां पे राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है दाईं तरफ का तस्मक अवयव है उसी प्रकार ई2 को चेक करने के लिए हमने करा कि ई2 स्टार बी बी का मान यहां से उठकर रख दो आप ए स्टार एक्स मैंने रख दिया यहां पे थोड़ा बस आप चेंज करोगे तो ई2 स्टार ए का जो मान है ऊपर से देखो ई2 स्टार ए का मान ए एक मैंने पुट कर दिया यहां से मल्टीप्लाई में एक्स मेरे पास में है ही समीकरण नंबर दो से अब दो कहां है छोड़ो उसको ए स्टार एक एक्स का मान देखो ए स्टार एक्स का मान बी मेरे पास में है तो ई टू स्टार बी मतलब बी को एक ऐसे एलिमेंट से मैंने मल्टीप्लाई करा जिसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा कौन सा एलिमेंट हो सकता है ऐसा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ही हो सकता है तत्समक अवयव ही हो सकता है तो E2 और E1 दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है ये हमने प्रूफ किया था यहां पे। ये देख लो आप ठीक है तो मेरे हिसाब से आप कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी जैसा कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं आपको एकदम क्लियर साफ दिख रहा है कि यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं और क्या मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है चलो अच्छी बात है आप सभी के कमेंट्स भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं किसी को कोई दिक्कत है तो और उसमें बच्चे कई बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर एक इक्वेशन और है ना उसमें जहाँ पे एन प्लस टू थी वहाँ पर एन प्लस वन वाले से तो अभी ए बी बराबर बी ए प्रूफ नहीं हुआ हो नहीं हुआ वो अब आप पता नहीं कौन से सवाल की बात कर रहे हो मुझे इसके बारे में पता नहीं है ठीक है एक बार आप व्हाट्सअप कर दो सवाल को तो मैं देख लूंगा ठीक है बाकी तो एक बार देख लेना प्रॉब्लम जो भी आती है आपके दिमाग में उसको मुझे भेज देना अपन कर देंगे आउट ठीक है और मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम आप सभी की नहीं है उम्मीद मैं कर सकता हूं यहां पर मैं देख रहा हूं ठीक भाई साहब चलो अब यहां पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हमारे पास में जो लास्ट का क्वेश्चन कर रहे थे अपन वहां पे चलते हैं ये रहा वो क्वेश्चन ये रहा बिल्कुल ये रहा आपके सामने सवाल है और आपको पता है कि मैंने सवाल को पढ़ने का तरीका उसकी खाल निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको कि सवाल को किस प्रकार ट्रीट करना है और कैसे सवाल को पढ़ना है देखो सिंपल सी बात है सबसे पहले सवाल को मैंने पढ़ा बिल्कुल आराम से सिद्ध कीजिए कि चार कोटि का प्रत्येक समूह क्रम विनिमय होता है पूरे सवाल के अंदर देखो ध्यान से तो क्या समझने को मिल रहा है इसमें कुछ नया जो आपने देखा वो क्या है इस सवाल के अंदर है कुछ डिफरेंट महसूस किया आपने बच्चे कह रहे हैं सर डिफरेंट तो हमने कुछ देखा नहीं है लेकिन नॉर्मल सा सवाल लग रहा है लेकिन ये हमें पता नहीं है कि इसका आंसर कैसे करना है इसके बारे में मुझे पता नहीं है लेकिन सवाल थोड़ा डिफरेंट तो है तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करते हैं हमने कहा कि चार कोटी का प्रत्येक ग्रुप मतलब सबसे पहले तो हमने फोकस करा कि इसने बोला है कि चार कोटी चार कोटी मतलब ऑर्डर फोर अब ये ऑर्डर फोर के बारे में क्या कहानी है पहली चीज तो ये पढ़ेंगे दूसरी चीज समूह क्रम विनमे होता है ठीक है तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि ये तो अपने को प्रूफ करना है कर्म विनिमय कर्म विनिमय होता है यानी कि आपका कर्म्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कर्म विनिमय होता है अब पहली बात तो यही समझ में आनी चाहिए अपन को कि भैया ये चार कोटी फोर ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ये है क्या चक्कर देखो सिंपल सी बात है कोटी ऑर्डर का मतलब ये है कि एक ऐसा सेट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि G इज इक्वल टू वन टू थ्री तो मैं पूछूंगा कि भैया सेट G या फिर ग्रुप G की ऑर्डर की मैं बात करूँ कोटी की मैं बात करूँ तो एक दो तीन तीन एलिमेंट इसमें है तो तीन कोटी का ये एलिट अपने पास ग्रुप हो जाएगा या सेट हो जाएगा मेरे पास ठीक है तो इसने क्या बोला है चार कोटी का एक ग्रुप लेना है और उस ग्रुप को ये प्रूफ करना है कि वो अपनी कर्म वाले जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करता है तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको पता है हमने यहां पे क्या माना है हमने लैट किया हमने माना कि मेरे पास में जी इज इक्वल टू ई पास में चार एलिमेंट का एक ग्रुप है भैया यार सवाल ने बोला है आपसे कि आपको चार कोटी का ऑर्डर फोर का एक ग्रुप लेना है और उस ग्रुप के अंदर कम्युनिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करवाना है तो बस वही काम हम कर रहे हैं हमने लेट कर लिया कि भाई मेरे पास में एक क्लाइन फोर ग्रुप है ठीक है इसका नाम है पर्सनली कि क्लाइन फोर ग्रुप यानी कि इसका मतलब है कि इसमें चार एलिमेंट हैं और तो क्या है ठीक है लेकिन स्पेशल नाम है क्लाइन फोर ग्रुप ठीक है ए फोर ग्रुप बोल सकते हैं इसको अपन तो हमने देखा कि भई ये माना कि हमारे पास में जी बराबर ई ए, ए बी सी चार कोटि का एक समूह है तब हमें सिद्ध करना है कि जी एक क्रमविन में आवेली ग्रुप है इसको हमें संक्रिया सानने से सिद्ध करते हैं जो कि निम्न प्रकार है ठीक है तो अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या मान लिया ठीक है भई फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये मान लिया कि मेरे पास में ये जी का है अपने पास में एक समुच्चय है ठीक है चार कोटी का समूह है तब हमें सिद्ध करना है कि जी क्रमिन में आवेली ग्रुप होता है ठीक है तो सिंपल सी बात है कि हमें इसमें आभेली प्रॉपर्टी जो है कि इसको आवेली ग्रुप बताना है ठीक है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो हमने यहाँ पे लेट कर ली है लेट जी इज इक्वल टू ई ए बी सी बी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर देन वी प्रूव दैट जी इज एन ग्रुप एंड कमिटेटिव ग्रुप दोनों तो में से एक बोल सकते हो विपरेशन टेबल मैंने ऑपरेशन टेबल को देखा और बनाया बना सकते हो ना दिक्कत कहाँ रही है हमने ऑपरेशन टेबल बनाने की कोशिश करी बच्चे डर रहे हैं कि सर इसकी ऑपरेशन टेबल हम कैसे बनाएंगे तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है ई ए बी और सी आपके पास में जो ऑपरेशन होगा वो डोट का होगा तो ये मेरे पास में ई e, ये ए ये बी और ये सी मेरे पास में आपस में मल्टीप्लाई करो ई e को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ई e मेरे पास में ठीक है यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ए मेरे पास में बी मेरे पास में सी मेरे पास में यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वही वही बात है यहां पे ये यह हो जाएगा ए बी सी आपके पास यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे ए के ए डोट बी ए डोट सी बी को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ए बी डॉट ए और बी स्क्वायर और बी डॉट में सी सी को मल्टीप्लाई करोगे सी डॉट में ए सी डॉट में बी और आपका सी स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपके पास में ऑपरेशन टेबल बनेगा इसमें तो कोई रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है समझने की ठीक है अब आप देख सकते हो कि यहां पे आप देखना ध्यान से कि ए बी बराबर में ई e. ठीक है ए मल्टीप्लाई बी बराबर में ई ए बी बराबर में बी और ए बी बराबर में सी ठीक है अब ध्यान सुनना अब यहां पे चार स्टेटमेंट देखे हमने कौन कौन से एक तो मेरे पास में ए बी अब ए बी कहाँ है भाई यहां पे एक मिनट एक मिनट रुको अब हमने देखो आपने एक चीज फोकस करी यहां पे, कि चार एलिमेंटों में से मैंने एक एलिमेंट ई e माना कौन सा माना ई e मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हालांकि हमें पता नहीं है इसके बारे में कि आइडेंटिटी एलिमेंट है हमने मान लिया बस और एक और गलत फहमी मैं आपके दिमाग से निकाल दूं कि देखो आइडेंटिटी एलिमेंट को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ई e से लेकिन कोई सा भी एलिमेंट आइडेंट एलिमेंट हो सकता है ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है ठीक है ना लेकिन जनरली एटी नाइनटी परसेंट अपन आइडेंटी एलिमेंट को ई से ही डिनोट करते हैं ठीक है अब समझना मेरी बात को ध्यान सुनना देखो यहां पे ए बी मल्टीप्लाई में बी बराबर में ई e हमने माना ठीक है और एक मेरे पास में ए बी बराबर में बी और ए बी बराबर में सी अब सपोज करो तीन मेरे पास में कंडीशन है अब ये सुनना एक ये हमने एक तरीके से मानी है कि मैं जब ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो ई e एलिमेंट भी आ सकता है ए बी मल्टीप्लाई करूँ तो बी एलिमेंट आ सकता है और ए बी मल्टीप्लाई करूँ तो सी एलिमेंट आ सकता है बच्चे कन्फ्यूज है यार। बच्चे परेशान हैं, बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये क्या कह रहे हो कि जब मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूँ तो ई e आ गया ए बी को मल्टीप्लाई करूँ तो बी आ गया ये कैसे पॉसिबल है कुछ लॉजिक तो बताओ इसके पीछे का पेशेंस रखो यार थोड़ा धैर्य रखो मैंने क्या कहा आपसे एक वर्ड के बारे में आपको फोकस करवाऊंगा मैं ध्यान सुनना माना कि बराबर e, A, B, C, G बराबर ई ए बी सी चार कोटि का समूह है लेट G इज इक्वल टू ई ए बी सी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर फॉर अब आप ये मान के चल रहे हो कि मेरे पास में जी एक ग्रुप है जी आपका एक समूह है आई एम राइट मैं सही ना? जी आपका एक ग्रुप एक समूह है तो मुझे कोई बताने की कोशिश करेगा कि ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी होती है एक बच्चा खड़ा होता है वो कहता है कि सर ग्रुप की चार प्रॉपर्टी होती है मैंने कहा कौन कौन सी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी और इनवर्स तो ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि सर आपका जो भी ग्रुप होगा उस ग्रुप के अंदर कोई भी दो एलिमेंट ले लो कोई भी दो एलिमेंट ले लो और कोई भी दो एलिमेंट लेने के बाद उनको आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे ना आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो तीसरा रिजल्ट निकल के आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो रिजल्ट आपके ग्रुप के अंदर से ही आएगा तो वही तो लिख रहा हूं मैं कि भाई मेरे पास में मैंने ए बी को मल्टीप्लाई करा तो ई आ सकता है ए बी को मल्टीप्लाई करा तो बी आ सकता है और ए बी को मल्टीप्लाई करा तो सी आ सकता है इनके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकती है और कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती ऐसा क्यों क्योंकि ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी इसका कारण बताती है इसका रीजन देती है कि भैया दो मल्टीप्लाई करोगे ना प्रोडक्ट किसी भी एलिमेंट को दो को तो भैया तीसरा जो एलिमेंट है ग्रुप के अंदर ही आना चाहिए बाहर नहीं पहुंचना चाहिए नहीं तो फिर वो आपका ग्रुप नहीं होगा बाप मान के चल रहे हो यार कि मेरे पास में के फॉर ग्रुप है एक क्लाइन फॉर ग्रुप है मेरे पास में तो या तो दोनों कंडीशन से एक कंडीशन गलत हो जाएगी फिर आपकी या फिर दोनों सही करने के लिए आपको ये स्टेटमेंट भी मानना पड़ेगा और ऊपर जो मैंने कहा आपसे कि आपका जी एक ग्रुप है वो भी मानना पड़ेगा ठीक है चलो इतना आपने मान लिया होगा उम्मीद कर सकता हूं तो मैंने कहा कि इन तीनों में से एक कंडीशन ले ली मैंने कि ए बी बराबर में बी ठीक है तो यहां पे आपने देखा कि ए बी बराबर में ई e मेरे पास में है तो आपने देखा कि यहां से मैंने आ, राइट कैंसिलेशन लो से बी को मैंने कैंसिल कर दिया भाई थोड़ा में ध्यान से ना कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन थोड़ा ध्यान पूर्वक समझना कमेंट मैं आपके तभी देखूंगा जब पूरा सवाल समझा दूंगा उसके बाद देखता हूं मैं कमेंट पहले नहीं देखूंगा भाई मैंने क्या करा सबसे पहले ऑपरेशन टेबल बना दी तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी बनी मैंने बना दी ठीक है बात तो ठीक है उसके बाद में तीन कंडीशन लिखी मैंने प्यारे बच्चों तीन कंडीशन मैंने कैसे लिख दी ए बी बराबर में ई e, और ए बी बराबर में बी और आपकी ए बी बराबर में ए मैंने ये तीनों कंडीशन कहां से लिखी मैंने कहा कि जी आपका एक ग्रुप है एक समूह है और ग्रुप के पास में पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर समृद्धता गुणधर्म उस प्रॉपर्टी के आधार पर मैंने ये तीनों बातें लिखी फिर उसके बाद मैंने कहा कि इन तीनों में से मैंने एक कंडीशन ले ली ए बी बराबर में बी अब साफ सी बात है किसी भी एलिमेंट को आप आइडेंट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो अब आप देख सकते हो कि मैंने राइट कैंसलेशन रूल से राइट कैंसलेशन रूल से मैंने बी से बी को कैंसिल कर दिया तो ए बराबर मेरे पास में किया ई आ गया भैया अब आप बताओ कि ए बराबर में ई e मेरे पास में आ रहा है ठीक है तो कैसे पॉसिबल है भाई मेरे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो तो एक ही हो सकता है ना किसी भी ग्रुप के अंदर दो थोड़ी हो सकते हैं तो भैया ये स्टेटमेंट तो ये कह रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट दो होंगे एक तो मेरे पास में ए भी होगा और ए भी होगा यहाँ पे चार एलिमेंट माने थे आपने ई ए बी और सी तो ये तो ये कह रहा है कि ई e जो एलिमेंट है ए के बराबर है और आपको पता है किसी भी ग्रुप के अंदर सेम दो एलिमेंटों को हम रखते नहीं है भगा देते हैं उसको आपकी कोई जगह नहीं यहाँ पे तो यहां पे आपने देखा कि मेरे पास में ए बराबर में ई है जो कि असत्य है विच इज रॉन्ग कैसे गलत है वो मैंने आपको बता दिया है अतः अतः आप कह सकते हो कि ए बी बराबर में ई e जो है वो आपका सही होगा ए बी बराबर सी मेरे पास में पुनः भाई यहाँ पे ए बी बराबर में ई मेरे पास में हमने लिख दिया और ए बी बराबर सी में लिख दिया भाई दो कंडीशन मेरे पास में है ना अब देखो आपको धीरे धीरे जो रामायण है ना उसके बारे में समझ में आएगा पेशेंस रखो तो फिर मैंने लिखा कि पुनः बी ए बराबर में ई e, और मेरे पास में देखो यहाँ तक पहुँचे थे ना हाँ ठीक है अतः यहाँ पे देखो ए भी बराबर में ई e और ए भी बराबर में सी मैंने लिख दिया ठीक पुन है पुनः भाई मेरे पास में चार कंडीशन थी बी ए बराबर में ई e, बी ए बराबर में ए e, और बी ए बराबर में सी देखो ऊपर हमने कंडीशन ले ली ये वाली कंडीशन फिर नीचे मैंने कंडीशन ले ली ये वाली कंडीशन ठीक है फिर मैंने कहा कि यदि मेरे पास में बी ए बराबर में ए ठीक है हमने वही सेम टू सेम काम करा बी को मैंने ई के बराबर बता दिया तो भैया ये भी आपकी बात बिल्कुल गलत है ठीक है उसके बाद मैंने ये काम करा सेम अतः ए बी बराबर में बी हमारे पास हो गया है ठीक है अब बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने तो समझा दिया लेकिन हमारे समझ में कुछ भी नहीं आया एक बार कमेंट करो सवाल किस किस को समझ में आ गया सारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे कि यह सवाल जैसे लास्ट में प्रूफ हो चुका है कि ए बी बराबर में बी ए तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सवाल समझ में आ गया है और कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सवाल समझ में नहीं आया है कमेंट करिए तब तक मैं पानी वानी पीता हूँ और फिर उसके बाद में आपके दिमाग को एकदम क्लियर करेंगे क्लियर थोड़ा स्टेबल करेंगे आपका दिमाग थोड़ा सा क्या है कि उत्तेजित है ठीक है थोड़ा सा उसको स्टेबल करेंगे और सवाल आपके दिमाग में सेट करेंगे लेकिन फिर भी क्या पता कई बच्चे ऐसे हों जिनको बिना समझाए ही समझ में आ गया हो तो कमेंट करिए नहीं आया है तो कमेंट में लिखिए गुरु जी नहीं आया समझ में नहीं आया है नहीं आया है ठीक है उम्मीद तो ये करता हूँ कि आपको नहीं आया होगा लेकिन क्या बता फिर भी आ गया हो समझ में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ दिशांत कह रहे हैं कि गुरु जी नहीं आया समझ में मोहित कमेंट करके कह रहे हैं कि गुरु जी बी ए बराबर में ए क्यों आया है नहीं बताओ जो भी आपकी कंडीशन है वो बताओ आप ए बी बराबर में ए वाली कंडीशन बन सकती है क्या ठीक है नाइन्टी परसेंट तो आ गया सर एस तो तो पी कह रहे हैं कि नाइन्टी परसेंट तो आ गया चलो भाई एस पी को समझ में आया थोड़ा बहुत निशांत को भी नहीं आया समझ में और प्रियंका भी कह रही हैं गुरु जी नहीं आया कुछ भी नहीं आया कोई बात नहीं भैया नहीं आया समझ में हम्म काम करना सवाल को रट लेना आप कविता कह रही है गुरु जी कुछ भी नहीं आया समझ में चलो कोई बात नहीं एक काम करना इस सवाल को छोड़ देना यार ये सवाल मेरे को भी नहीं आता ईमानदारी की बात है ठीक है अगर सवाल आता तो मैं इसको पहले ही करवा देता और ये सवाल तो मेरे को आता नहीं है तो मैं फालतू तो आपसे झूठ क्यों बोलूँ बताओ <coughs> चलो ठीक है छोड़ देना सवाल को ना इस सवाल को छोड़ देना भैया ये मेरे को नहीं आता है इसको हम नहीं करवाएंगे और ये आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा ठीक है एग्जाम में नहीं आएगा तो क्यों करें फिर इसको ठीक है चलो भैया ये सारी बातें जो मैंने बोली हैं ये मैं आपको बोल नहीं सकता हूं ना वही तो, तो बात है ठीक है चलो तो मजाक की बातें थी अब एक काम करो सारे बच्चे हो जाओ स्टेबल एकदम ठीक है और बिल्कुल अपना जो ध्यान है वो बिल्कुल बोर्ड पर रखो क्या कहा मैंने अपना ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर रखो जो बातें मैं बोलूंगा ना वो आपके दिमाग में सीधी पहुंचनी चाहिए ठीक है मैंने लिखा पहली बात मैंने एक पहली चीज लिखी मैंने यहां पे क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट मेरे पास में हमने यह माना था हमने ये लेट किया था कि जी मेरे पास में ई ए, ए बी और सी भाई मैंने माना था लेट करा कि जी मेरे पास में ये मतलब हमारे पास में इनके एलिमेंट है और जी मेरे पास में एक ग्रुप है यही तो मान के चले थे अपन जिसको अपन ने के फोर के फोर ग्रुप के नाम से बताया था क्लाइन फॉर ग्रुप कुछ भी कह सकते हो आप अपने हिसाब से ये तो हमने माना था अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जब मैंने इसको ग्रुप माना तो ग्रुप के साथ में पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी और चौथी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक साथ में आती हैं भाई जब आप कह रहे हो कि यार हाँ क्या कह रहे हो कि वो विराट कोहली है तो विराट कोहली होगा अगर वो बंदा तो सकल भी मैच करनी चाहिए और उसको अच्छे क्रिकेट भी आने चाहिए तभी तो विराट कोहली बनेगा नहीं तो कई तो विराट कोहली की कॉपियां भी तो हैं तो विराट कोहली की कॉपी होगी तो केवल सकल में होगी खेल में थोड़ी होगी नहीं होगी ना तो अगर मेरे पास में ग्रुप है तो ग्रुप की चार प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होगी क्लोजर प्रॉपर्टी और उसके बाद में एसोसिएटिविटी हाथ आइडेंटी एलिमेंट और आपका इनवर्स एलिमेंट एक दो तीन और चार ये चारों प्रॉपर्टी ये बंदा लेके बैठा है अब अपन से इस सवाल के अंदर पांचवी प्रॉपर्टी जो है क्रम विनिमता वाली प्रॉपर्टी वही तो प्रूफ करवा रहा ये। है ये ठीक है ये बातें आपके दिमाग में सेट हो गई सारी बातें ठीक है ना चलो अब यहाँ पे हमने क्या करा कि इसके अंदर ऑपरेशन टेबल बनाई सारणी सारणी बनाई। अब को जब देखा आपने ध्यान से देखा एक बार तो देखने के बाद आपको लगा कि यार भाई सिंपल सी बात है कि सारणी जो है ना ये आपकी गलत सारणी बनी हुई है क्यों बनी हुई है आप खुद देखो ना कि भाई मेरे पास में जी आपका एक ग्रुप है और उसके एलिमेंट है ई ए, ए बी और सी मेरे पास में चार एलिमेंट है भाई पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है क्लोजर समवरता गुणधर्म ये बताता है आपको कि अगर मैंने कोई से भी दो एलिमेंट ले लिए सपोज करो जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मैंने कोई से भी दो एलिमेंट लिए मैंने लिया ए बी तो अगर मैंने ए बी ले लिया तो यहाँ पे ई e आ सकता है ऐसे हम कंडीशन लेके चल रहे हैं अगर मैंने ए बी को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास बी बी आ सकता है और मैंने यहाँ पे ए बी को लिया तो मेरे पास भी आ सकता है अब बच्चों का सवाल यही है कि सर ये आपने तीनों कंडीशन लिखी कहां से लिख ली देखो मैं आपको बताऊं आपकी जो ऑपरेशन टेबल है ये तो है गलत क्योंकि आप देखो यहां पर्टिकुलर अपन चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे तो ए स्क्वायर ए डोट बी ए डॉट सी डी स्क्वायर मेरे पास में ये जितने भी एलिमेंट हैं क्या आपके ग्रुप के अंदर हैं क्या नहीं है कहा है बताओ कहा है आपके ग्रुप के अंदर आपके ग्रुप के अंदर ई e, ए बी सी चार तो एलिमेंट है बाकी के एलिमेंट कहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये एलिमेंट कहा है तो ऑपरेशन टेबल तो आपकी है गलत सिंपल सी बात है ठीक है तो अब यहां पे बात ये आती है कि सर अगर ऑपरेशन टेबल गलत है तो जो हमने ग्रुप माना था वो भी गलत होना चाहिए जो ग्रुप हम मान के चले हैं वो ग्रुप भी आपका गलत होना चाहिए बिल्कुल नहीं ग्रुप गलत नहीं है अब ऑपरेशन टेबल से बात नहीं बनी तो हमने क्या कहा आपसे कि इस ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप प्रूफ तो करना है तो कैसे भी करना पड़ेगा तो हमने इस ग्रुप के दो एलिमेंट ले लिए कोई से भी दो एलिमेंट ले लो हमने कहा कि मैंने ए बी ले लिया ए बी नहीं आप इसको कहो ए डॉट बी आपने ले लिया ए डॉट बी तो मुझे एक बात बताओ आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए डोट बी जब आप करोगे तो तीसरा जो रिजल्ट आएगा ना यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा ये इन्हीं एलिमेंटो में से आना चाहिए और इनके बाहर नहीं जाना चाहिए यही तो कहा था अपन ने ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा कि मैंने ए बी को मल्टीप्लाई करा तो ए बी आ सकता है ए बी को मल्टीप्लाई करा तो बी भी आ सकता है ए बी को मल्टीप्लाई करा तो सी भी आ सकता है ठीक है बात समझ में आ रही है आपको बात क्लियर है ठीक है ए बी को मल्टीप्लाई करा तो ए बी आ सकता है क्या कहा मैंने यहां पे मेरे पास चौथा एलिमेंट है ए बी को मल्टीप्लाई करा तो ए बी आ सकता है आप लिख लो आराम से कोई दिक्कत नहीं है हमें तो कोई भी दो कंडीशन से काम है कोई भी दो कंडीशन से काम है ठीक है ना तो आप यहां पर यह भी लिख सकते हो कि अगर मैंने यहां पर ए डोट में बी को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास से अलावा कोई नहीं आएगा क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी संवृत्त गुणधर्म यही कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास में एलिमेंट वही आना चाहिए जो आपके सेट में प्रजेंट है अरे यार कितने सारे एग्जांपल देखे थे याद करो जैसे मैंने यहाँ पे जी का एक बैच माना था कि वन को मां टू को थ्री को माँ फोर हमने कहा कि मेरे पास में टू प्लस में थ्री है ये टू प्लस में टू है तो टू प्लस में टू कहाँ है चार तो चार कहाँ है इस ग्रुप के अंदर ही तो है ना कहीं बाहर थोड़ी है तो वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि इसमें चार एलिमेंटों को मल्टीप्लाई करें कुछ भी करें लेकिन एलिमेंट इन्हीं के अंदर आना चाहिए बाहर नहीं आना चाहिए तो ये मैंने आपको बता दी है ठीक है तो मेरे हिसाब से अब ये बात जो आपके दिमाग में चल रही थी वो क्लियर हो गई हमने यहाँ पे दो कंडीशन मानी पहली कंडीशन देखो भाई मैंने कोई भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास ये कंडीशन बन सकती है ठीक है ना तो थ्योरी बन सकती है लिख लेना यहाँ पे हमने इनमें से कोई भी एक उठा लिया हमने कहा कि ए बी बराबर में बी ए बी बराबर में बी हमने कहा कि यार ए बी यहाँ पे बी के मल्टीप्लाई में मैंने ई e को रख दिया क्योंकि आइडेंटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से बी पर कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा और मैंने बी को फिर राइट कैंसिलेशन रूल से मैंने उसको कैंसिल भी कर दिया तो ए बराबर में जो ई e है अब आपको पता है कि यार इस ग्रुप के अंदर चार एलिमेंट हैं ई ए बी और सी चारों एलिमेंट अलग अलग हैं कोई भी बराबर नहीं हो सकता है तो मैंने कहा कि यहाँ पे ए जो है वो ई e के बराबर नहीं होगा ए जो है वो बी के मतलब ई के बराबर नहीं होगा तो हमने कहा कि चलो ठीक है अगर ए है वो ई e के बराबर नहीं हुआ तो हमने कहा कि ए बी बराबर में ई e मान लेते हैं पर बात है आपने कहा कि मेरे पास में ए बी जो है ये बी के बराबर है हो सकता है तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ए एलिमेंट है वो ई e के बराबर तो नहीं होगा अगर ए एलिमेंट ई के बराबर नहीं होगा हम ये मान सकते हैं कि चलो ठीक है ए भी जो है मेरे पास में ई के बराबर होगा या फिर अपने पास में ए बी जो है वो सी के बराबर होगा इन दोनों कोई सी कोई सी बराबर हो सकती है ठीक है ये पहले केस दूसरा केस पुनः फिर हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए दोबारा से हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए इस बार मैंने कहा कि बी ए बराबर में ई बी ए बराबर में ए और बी बराबर ए बराबर में सी कोई भी दो एलिमेंट लेके मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई करने के बाद सामने वही लिख देना ई ए बी मेरे पास सी जो है वो लिख देना आप फिर वही हमने खेल खेला हमने कहा कि मेरे पास में जो बी ए है वो बराबर ए के है यदि होगी तो फिर हमने वही ए को कैंसिल करा बी बराबर में बी बराबर ई e जो है हो नहीं सकता है इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं होगी बराबर इसका मतलब है कि बी ए है वो ई e के बराबर होगा या फिर आपका बी ए वो सी के बराबर होगा तो अब आप ध्यान से देखना बी ए ई के बराबर होगा और यहाँ पे ए बी ई के बराबर होगा अब इन दोनों कंडीशन से एक तो ये रही एक ये रही दोनों बराबर हैं दोनों तो के बराबर में ई है ना इसके बराबर में ई है और इसके बराबर में भी ई है इन दोनों को मैं आपस में बराबर कर सकता हूँ मैंने आपस में बराबर कर दिया तो बराबर कर दिया तो आप देख सकते हो कि ए भी बराबर में बी है और यही तो प्रूफ करना था तो कुल मिला के बात बताऊं आपको सिंपल से क्या है यहां पे सिंपल सा एक ही लॉजिक है पूरे सवाल के अंदर है, कि आपको ऐसे दो एलिमेंट मानने हैं जैसे मैंने कहा कि ए बी बराबर में ई e, तो सेकंड थिंक में आपको ये मानना है कि बी ए डॉट बराबर में ई e, दोनों आपस में बराबर हो गए ए बी बराबर में बी ए और फॉर ऑल ए को बी बिलोंग टू जी आपका पूरा जो नियम है वो प्रूफ हो चुका है देखो बच्चे हैं आप सभी पहली बार में समझ में नहीं आता है मैंने इसको दो बार बता दिया है अभी भी आपके दिमाग में कोई सा भी लॉजिक हो कोई दिक्कत नहीं है हम पूरे एक घंटे क्लास में केवल एक ही सवाल समझ लेंगे लेकिन ये सवाल इस प्रकार समझ में आना चाहिए कि जब कोई टीचर या कोई बच्चा पूछ ले आपसे तो उसका जवाब एकदम प्रॉपर कारण के साथ में दो ठीक है ना तो अब आप बताओ कि आप कहां तक पहुंचे सवाल के अंदर, कि कौन सी बात आपको परेशान कर रही है और कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई बाकी आप देख लो कि चार पांच लाइन का इसका आंसर है और इसमें कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए तो फटाफट सारे बच्चे कमेंट करिए कि आपको यहां पे समझ में आया नहीं आया पूरा पोर्शन और अगर आ गया है तो कमेंट कर दीजिए नहीं आया है तो भी कमेंट कर दीजिए हाँ भाई मेरे को सभी बच्चों के कमेंट चाहिए जितने भी पढ़ रहे हैं सारे बच्चों के कमेंट क्योंकि देखो सवाल है ना वो बहुत ही अटपटा सवाल है पहली बार पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा दूसरी बार तीसरी बार चार बार पांच बार जब पांचवी बार पढ़ोगे सवाल को तब जाके लगेगा अच्छा 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 ये बात थी इसके अंदर ये प्रूफ करना था क्या ठीक है एक बार अपने हाथों से एलिमेंटों को एडजस्ट करना सीखो अब कई बच्चे क्या करते हैं समझ लेंगे क्लास को और रख के छोड़ देंगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे कई बार क्या होता है कि दिमाग अपनी बातों को सोल्व नहीं कर पाता भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल सपोज करो मैं आपसे कहूं कि दस हजार पांच सौ पच्चीस को मल्टीप्लाई करो एक हजार पच्चीस से तो आप अपने दिमाग में इस कैलकुलेशन को सोल्व करने में कम से भी कम बहुत टाइम लगा दोगे और फिर भी ये कैलकुलेशन आपसे सोल्व नहीं होगी आपको पता ये बात लेकिन जितना टाइम आपने में सोचने में वेस्ट किया ना कि जितना टाइम सोचने में वेस्ट किया है उतने टाइम में उससे भी कम टाइम बहुत ही कम टाइम में आप इसको किसी भी कॉपी पर सोल्व कर सकते थे लेकिन नहीं आपको सारी बातें दिमाग में सोल्व करनी है पॉसिबल नहीं होगा ना अब ये सारी बातें आप दिमाग में याद रख सको बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इस चीज को इस क्वेश्चन को बैठ के रफ कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा तो देखिएगा क्या है क्या नहीं है मुलाकात करिए सवालों से यार हाँ भाई एसपी शर्मा कह रहे हैं कि सर फिर इसमें ऑपरेशन टेबल बनी है बनाई है देखो इसमें ऑपरेशन टेबल बनाने का एक कारण है कारण तो आप कह भी सकते हो नहीं भी कह सकते हो बनाने की रिक्वायरमेंट भी है और नहीं भी है आप देख लेना ठीक है तो आपकी इच्छा हो तो बना लेना नहीं तो आपकी इच्छा हो तो मत बनाना लेकिन यह है कि सवाल में अगर ऑपरेशन टेबल बना दोगे ना तो सही रहेगा आप बना दोगे तो सही रहेगा क्यों ए एस पी शर्मा आप कह रहे हो कि सर ऑपरेशन टेबल क्यों बनाई है क्योंकि ऑपरेशन टेबल बनाने के बाद ही हमें पता चला कि जो एलिमेंट हैं ऑपरेशन टेबल में वो बाहर आ रहे हैं सेट से और इस बात को बताने के लिए हमने क्या करा पहले ऑपरेशन टेबल बताए बनाई और बना के बता दिया कि जो एलिमेंट आने वाले हैं वो बाहर से आने वाले हैं क्योंकि इस बात को मैं थोड़ा सा आगे आके बताता हूँ ताकि सभी बच्चों के माइंड में ये बात जाए भाई और बाकी बच्चों का कमेंट नहीं आया यार कविता का आया है और एसपी का आया है प्रियंका का आया है और चलो अपेक्षा राठौर का भी आया है कि चलो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं मोहित का भी आ गया सर चलो चलो भाई सबका ही आ गया फिर तो कमेंट लगभग है ना जो रह गया हो वो बता देना फिर अब थोड़ा बहुत मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा देखो यहाँ पे एसपी ने पूछा कि कम एक सवाल कि गुरु जी इसमें ये जो बात है ये कैसे आ गई देखो आपको मैं आपको बताऊं टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट इसलिए महसूस हो रही है अपन को क्योंकि टेबल आप अगर बना के नहीं बताओगे ध्यान तो से अगर टेबल आप बना के नहीं बताओगे तो ये ये कैसे लिख दोगे फिर ये कहाँ से लेके आपने डायरेक्ट आप लिख दोगे इन बातों को तो फिर वो सामने वाला समझेगा कि यार ये डायरेक्ट क्यों लिख दिए भाई टेबल बना के हमने देखा कि भाई जैसे हमने मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करने के बाद एलिमेंट बाहर जा रहे हैं भाई एलिमेंट बाहर जा रहे हैं आप देख लो जब एलिमेंट बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब टेबल तो गलत हो गई अब टेबल गलत हो गई तो इसका मतलब है कि फिर कंडीशन जो बन सकती है ना वो यही बन सकती है और ये कंडीशन बन सकती है तो बस उसी कंडीशन का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया है चार पांच लाइन का आंसर इसका सारा सा और देखो एक ही मिनट में सवाल को समझोगे ना आप एक ही मिनट के अंदर तो इतना देख लेना अगर सवाल को रटना भी पड़े कैसे भी कुछ करना पड़े आपको पता है कि मुझे बी ए बराबर में ई और ए बी बराबर में ई बस इन दोनों कंडीशन को बराबर करना है करके प्रूफ कर देना बस लेकिन चीजों को लिखने का तरीका सीख लो जैसे लास्ट टाइम पे ये जरूर लिखना कि मेरे पास ए है और बी एलिमेंट है वो जी में बिलोंग करते हैं इन छोटी छोटी बातों को आप लिखना समझना चालू करोगे तभी आपको सवाल में पूरे नंबर मिलेंगे नहीं तो सवाल आप कितना भी अब सवाल आपको आता है लेकिन एग्जाम में प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं लिखा कि लेट माना कि जी हमारे पास में ग्रुप है नहीं है इस लैंग्वेज को नहीं पकड़ा तो 40 में से वही 10-15 नंबर आपके आएंगे पूरा पेपर करने के बावजूद क्योंकि थ्योटिकल पेपर जो होता है उसमें बच्चे मात खाते हैं थ्योरी के अंदर बच्चे कहते हैं कि थ्योरी को लिखे कैसे हालांकि थ्योरी को लिखना कोई बड़ी बात नहीं है जो भी सवाल दिया गया है उसको लेट करो लेट माना कि जी आपके पास ग्रुप है जो भी है जो स्टेटमेंट गिवन होता है उसको लेट कर लो और फिर आप लिख देना लास्ट में कि देन तब हमें प्रूफ करना है जो आपको प्रूफ करने की बोल रहा है उसको लिख देना और फिर प्रूफ करना चालू करें अब डायरेक्ट ही आप प्रूफ करना चालू करोगे ना तो फिर आपको चार में से दो नंबर एक नंबर मिलेगा तो कितना भी अच्छा लिखा हुआ आपने और दो तीन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि जो एलिमेंट आप लिखते हो लास्ट में वन टू थ्री फोर तो लिख देना कि ये हमारे पास जी में बिलोंग करते हैं फोर ऑल एक बी बिलोंग टू जी इस प्रकार की जो छोटी छोटी टर्म्स हैं इनको मत भूलना एलजेबरा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ठीक है तो मुझे लगता है कि सारा मामला जो क्लियर मैंने कर दिया है तो अब मैं थोड़ा सा आगे चल सकता हूँ मेरे हिसाब से कोई भी परेशानी कोई समस्या किसी भी बच्चे को नहीं होगी चलो अब अगली थ्योरम पढ़ते हैं देखो थ्योरम क्या कह रही है उस बात को भी समझते हैं देखो बहुत ही खाली माइंड से बिल्कुल आपका माइंड जो है बिल्कुल खाली कर लो इस प्रकार सोचो कि आपको कुछ आता ही नहीं है ठीक है आपका दिमाग बिल्कुल खाली है इस प्रकार सोचो देखो भैया थ्योरम एक परिमित एरिक समुच्चय द्विचर संक्रिय स्टार सहित ग्रुप होगा यदि और केवल यदि अब यार एक कितने सवाल आएंगे यार देखो इफ एंड ओनली इफ के जो सवाल हैं यदि और केवल यदि के सवाल हैं वो कितने सारे अब तक आ चुके हैं आप देख लो खुद देख लो खुद चेक कर लो आप एक बार अब आप चाहो ना अगर अगर आपकी इच्छा हो आपकी दृढ़ शक्ति है आपने सोच लिया है कि इस सवाल को मैं समझ के रहूंगा तो कोई भी ताकत कोई भी दुनिया की इस ताकत आपको रोक नहीं सकती तो इस सवाल को नहीं समझ सके कुछ भी नहीं है इसके अंदर अगर आपको ग्रुप की चार प्रॉपर्टी आती है और थोड़ा बहुत चीजों को आगे पीछे करना आता है एडजस्ट करना आता है तो समझ लो ये पूरा क्वेश्चन आपके कदमों में होगा ठीक है अब देखना ध्यान से इसमें क्या दिया गया है और क्या प्रूफ करना है उस बात को अपन थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं देखो एक परिमित परिमितरिक्त समुच्चय जी एक द्विचर संक्रिय स्टार सहित ग्रुप होगा यदि और केवल यदि देखो आपको यहाँ पे साफ साफ बोला है ठीक है कि मेरे पास में परिमित परिमितरिक्त समुच्चय तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपका जो फाइनाइट नॉन वॉइड सेट क्या होता है तो मेरे प्यारे बच्चों फाइनाइट, नॉन वॉइड सेट परिमित अरिक्त समुच्चय क्या होता है कि एक ऐसा समुच्चय जी जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो इस प्रकार वो खाली नहीं होना चाहिए अगर वो खाली हुआ इसका मतलब है कि वो वॉइड सेट है एक रिक्त समुच्चय है और उसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है पहली बात क्लियर दूसरी बात क्या बोला इसने कि द्विचर संकीर्ण स्टार सहित ग्रुप होगा यदि और केवल यदि ये दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं एक और दो ठीक है ना अब मेरी बात को कान खोलकर सुनना भैया ध्यान सुनना अब यहां पे बात ऐसी है कि इसमें आपको वही दो कंडीशन बोली जा रही हैं आपकी वही नेसेसरी कंडीशन और वही आपकी सफिशिएंट कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है पहला जो स्टेटमेंट होगा नेसेसरी कंडीशन वाला इसमें आपको लेट करना पड़ेगा मानना पड़ेगा ठीक है क्या मानना पड़ेगा कि जी मेरे पास में ग्रुप है पहली कंडीशन में ये आपको लेट करना पड़ेगा और आपको पता है कि जो आपको दिया गया है जो आपको गिवन है वो दिया गया है कि जी मेरे पास में एक नॉन वॉइड सेट है और साथ साथ में प्लस में ये दिया गया है कि जो आपका जी है ना जो आपका समुच्चय है इसके पास में बाइनरी ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी पहले से दी हुई है बाइनरी ऑपरेशन बोल दो या फिर आप बोल दो क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों सेम ही होती हैं। तो इस समुच्चय के पास में जो आपका दिया गया है इसके पास में बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी पहले से विद्यमान है वो आप वहां पे पढ़ सकते हो स्टेटमेंट के अंदर ठीक है ए फाइनाइट नॉन वर्ड सेट जी विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार विल बी ग्रुप इफ एंड ओनली इफ तो ये ये बात जो है ना जो गिवन है ये दोनों के अंदर कॉमन रहेगी इसके अंदर भी और इसके अंदर भी अब प्रूफ क्या करना है यहां पे इसमें नेसेसरी कंडीशन में तो आपको लेट करना पड़ेगा कि जी हमारे पास एक ग्रुप होता है और उसके बाद में आपको यहां पे प्रूफ जो करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड जो आपका स्टेटमेंट आपसे प्रूफ करवा रहा है सेकंड यहाँ पे कंपलसरी कंडीशन बोल दो या फिर आप बोल दो कंपल्सरी है सफिशियंट कंडीशन सॉरी यार सफिशियंट कंडीशन पर्याप्त शर्त के अंदर आपको लेट करना पड़ेगा आपको मानना पड़ेगा कि मेरे पास में पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है इनको मान के और प्लस में आपको जो दिया गया था कि मेरे पास में जी आपके पास में एक बाइनरी ऑपरेशन को रखता है इन प्रॉपर्टीज को लेके फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे पास में जी एक ग्रुप होता है अब देखो सारी बातें आपके सामने क्लियर हो गई यार कि क्या मानना है क्या प्रूफ करना है क्या मानना है और क्या प्रूफ करना है और क्या आपको दिया गया है वो सारी बातें आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गई है मेरे हिसाब से तो ठीक है ना तो अब मैं यहाँ पे तुरंत इसको मिटा रहा हूँ कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना चलो सबसे पहले पढ़ता हूँ मैं यहाँ पे आवश्यक शर्त को नेसेसरी कंडीशन माना कि G एक परिमित अरिक्त समुच्चय है एवं संक्रिय स्टार द्वितर संक्रिया है एवं यह भी माना कि जी को में, स्टार एक ग्रुप है तब हमें सिद्ध करना है कि प्रतिबंध फर्स्ट और सेकंड प्रूफ है तो मैंने क्या कहा था आपसे आपको मानना पड़ेगा कि G कॉमेस्टार एक एक ग्रुप होता है तो बस जो मैं कह रहा हूं आंख बंद करके समझ लो बाकी आपको भी इतना तो पता चल ही गया होगा अब तो आइडिया लग गया होगा आपको ऐसी बात नहीं ठीक है Let G be finite वो आपकी सेल्फ ट्रू है यह सोम सत्य है आप पहली प्रॉपर्टी क्या है एक बार उसको देख लेते हैं क्योंकि मैंने उसको देखा भी नहीं पहली प्रॉपर्टी यार साफ सी बात है आपने अगर ग्रुप मान रखा है तो ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सहा गुणधर्म और वही है प्रॉपर्टी सेम टू सेम तो यह तो प्रॉपर्टी पहली वाली तो क्या हो गई भैया आपकी सेल्फ ट्री हो गई स्वम सत्य हो गई तो यही लिखना है आपको एग्जाम में सेम टू सेम चलो अब यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी क्या है भैया ए स्टार एक्स बराबर ये ऐसे कुछ दे रखा है अगर ऐसा कुछ दे रखा है ना तो ये आपको एक्स बराबर वाई एक्स बराबर वाई प्रूफ करना है ईमानदारी की बात है ठीक है ईमानदारी की बात है हकीकत बता रहा हूँ आपको मैं ये मैंने आपको करवाया था नहीं करवाया था ईमानदारी की बात बताना आप ईमानदारी से बताना ये मैंने आपको करवाया था नहीं करवाया था ये मेरे पास में एक्स स्टार ए जो भी आपको दे रखा है इससे मैंने एक्स बराबर वाई एक्स बराबर वाई पीछे मैंने एक सवाल करवाया था उसमें ये बराबर प्रूफ करवा दिया है अब जो सोच रहे हैं कि कहाँ करवाया है जिम्मेदार मैं नहीं हूं ठीक है उसके जिम्मेदार आप हो आपने पढ़ा ही नहीं होगा शायद पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है इसको प्रूफ करना एकदम ईजी है बिल्कुल सिंपल आप देखो एक बार भाई मैंने करा क्या है इसके अंदर कि जो मेरे पास में दिया गया था जैसे कि ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई दिया गया है मैंने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया अब आप देख सकते हो कि यहां पे ए इनवर्स स्टार ए एक तरफ कर लिए और यहाँ पे ए स्टार भाई ए तो इधर आ गया ना

विशेष तौर पर ध्यान रखें दोल्व ठीक है चलो अब यहां पे ये कंडीशन प्रूफ हो गई उसके बाद में दूसरी भी यही है x बराबर ए हमने यहाँ पे यहां पे ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करा राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दो देखने के बाद एक्स बराबर करना क्या है इसके अंदर यार कचरा ही कचरा कुछ करा आपने इसके अंदर मुझे तो लगा नहीं कुछ सीखा आपने इसके अंदर कुछ भी बात यहां पर सीखने को थी नहीं क्योंकि सारा काम सीख चुके हैं अपन पहले उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चले पर्याप्त शर्त सफिशंट कंडीशन माना कि मेरे पास में जी एक परिमित अरिक्त गुप्त है ठीक है <laughs> क्या नाम है परिमित ग्रुप्त है ठीक है थोड़ा सा क्या है कि यार जब ज्यादा बोल लेते हैं ना तो आवाज ही निकलती तेजी से यार <clears throat> गला बैठ के मैं चार पांच घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूँ यार सुनो ध्यान से कि माना कि जी एक परिमित अरिक्त समुच्चय है तो जो आपको दे रखा है संक्रिया स्टार दूचर संक्रिया है एवं यह भी माना कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका मान के चलना है एक तो जी आपका एक सेट है समुच्चय है इस बार गलती मत कर देना आप कि जल्दीबाजी में इसको भी ग्रुप मान लो अरे तो ग्रुप तो प्रूफ ही करना है मानना कैसे है जी आपका एक समुच्चय है सेट है और फर्स्ट और सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी मान के चलेंगे अपन चलो तो ठीक है तब हमें सिद्ध करना है कि जी को मैं स्टार एक ग्रुप है अब देखो यार सिंपल सी बात है मैं ज़्यादा झोंड आपसे बोलूंगा नहीं यहां पे पहली प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन तो आप लेके चल रहे हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप वैसे गई सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी तो आप वैसे ही प्रूफ कर रहे हो भैया क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो अपन लेके चल रहे हैं ना वो आपकी एसोसिएटिविटी सातरेता गुणधर्म को प्रूफ करती है तो देखो दो तो आपको करनी पड़ेंगे नहीं तो देखो उठाओगे इसको नीचे और यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेना है इसको ठीक है अपने हिसाब से अब देखो यहां पे अपन ने क्या माना माना कि x1, x2, x3, xn g के परिमित अवयव हैं एवं सभी भिन्न-भिन्न हैं एवं माना कि यह अवयव x है ठीक है।, है जो भी कह रहा है कहना दो एक बार अब है ना फिर देखते हैं कि क्या इसमें समझने का है क्या नहीं है ठीक है माना कि मेरे पास में x1 x2 x3 xn के परिमित अवयव हैं फाइनाइट एलिमेंट है एवं सारे अलग-अलग हैं अब यार ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे अलग-अलग ही होंगे इस बात का ध्यान रखना एवं यह माना कि एक अवयव x है इनमें से कोई एलिमेंट माना कि एक अवयव x है लेट x1, x2, x3, xn आर ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप एंड आल्सो लेट x बी एनी एलिमेंट कोई सा भी एक एलिमेंट मान लिया मैंने x ठीक है हमने कहा कि भैया मेरे पास में x स्टार x1 और x स्टार x2 और x स्टार x1 तो सभी भिन्न भिन्न हैं यदि संभव है तो माना कि पे स्टार एक्स आर बराबर हो गए हैं ठीक है एक बार देखते हैं आगे चलो जो कि असत्य है अतः जी के अवयव ए, ए बी सी इस प्रकार होंगे कि ए बी सी एलिमेंट ऑफ जी दट ए स्टार बी बराबर में सी अतः समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी एक अद्वितीय हल प्रदान करती है और ए स्टार बी बराबर एक्स प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन इसी प्रकार वाई स्टार भी अद्वितीय हल प्रदान करता है ठीक है अब भाई इससे मैं मैंने देखा कि इसमें क्या था यार क्या तो इसके अंदर प्रूफ करना था और क्या इसमें कर दिया है अब आपको यहां पे जी कॉमा स्टार को एक ग्रुप प्रूफ करना था क्या करना था जी कोमा स्टार को एक ग्रुप प्रूफ करना है अब आप देखो यार इसमें क्या करा गया है वैसे नॉर्मली आप अपने बेसिक से लिखोगे इस सवाल के अंदर तो देखो पहली प्रॉपर्टी तो आप लिख सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी वो ऑटोमेटिक इसमें सेटिस्फाई है जानते हो ना बेसिक दूसरी प्रॉपर्टी है अपनी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी वो भी आपकी यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है ठीक है और तीसरी प्रॉपर्टी अपनी इन्वर्स एलिमेंट की और अपना आइडेंटी एलिमेंट दो प्रॉपर्टी से बच गई है तो उसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर कुछ यूनिक तरीके अपनाए है गए हैं अब वो क्या है अब थोड़ा समझो ध्यान से ये क्या लिखा गया है यहाँ पे आपने क्या प्रूफ किया गया था थोड़े दिन पहले याद करो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे तो मैंने आपको क्या लिखवाया था क्या प्रूफ करवाया था थोड़ा सा मैं क्या बताऊँ आपको इसको मिटाता हूं याद करो अब थोड़ा सा हार्ड तो है लेकिन समझ में आएगा आपको इस बात नहीं है आपने क्या कहा था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई है और मेरे पास में जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो दोनों कैसे होते हैं भैया यूनिक होते हैं द्वितीय होते हैं ठीक है हालांकि प्रूफ करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं प्रूफ करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी जो है मेरे पास में इनवर्स एलिमेंट वाली उसको अपन कई तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कई तरीके से बता सकते हैं ठीक है और फोर्थ वाली इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है उसको भी अपन कई तरीके से बता सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आपने फोकस किया हो तो कुछ वर्ड यूज किए गए थे इसमें परिमित फाइनाइट सेट हमारे पास में परिमित ग्रुप ठीक है तो भैया यहां पर उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या करा उस लैंग्वेज को यूज करते हुए हमने क्या करा एक सेट मान लिया एक समुच्चय मान लिया जी जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन तक एलिमेंट है और उन एलिमेंटो में से हमने कहा कि कोई एक एलिमेंट्री मतलब कोई ऐसा आर्बिट्री पॉइंट उठा लिया स्वेच्छ बिंदु हमने ले लिया कोई स्विच एलिमेंट ले लिया जिसका नाम था एक्स ठीक है उसी एक्स एलिमेंट के साथ में हमने जो अपने पास प्रॉपर्टी थी सेकेंड स्टेटमेंट जो लेके चल रहे थे ना उसी का यूज करते हुए हमने कहा कि मेरे पास जो एलिमेंट हैं वो दोनों एलिमेंट जो आएंगे वो कैसे आएंगे यूनिक आएंगे अद्वितीय आएंगे अब इससे लैंग्वेज को शायद डायरेक्टली कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि यार ये यूनिक वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बीच में कहा से आ गया अब यूनिक वाला कॉन्सेप्ट उन्हीं बच्चों को थोड़ा समझ में आएगा जिसने थ्योरम पढ़ी थी और मैंने थ्योरम करवाई भी थी और इसको हमने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ किया था कि मेरे पास में एक ग्रुप है उस ग्रुप के पास में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है उसके पास जो इन्वर्स एलिमेंट होता है वो भी यूनिक होता है ये मैंने थ्योरम से प्रूफ करवाया था इस बात को फोकस करिए और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है पीछे जाके पढ़िए कि इन्वर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों यूनिक होते हैं या अद्वितीय होते हैं अद्वितीय होते हैं इस बात को माइंड में रखो क्योंकि पहले मुझे लगा कि पहले आपको ये बताना चाहिए मेरे को ठीक है आपके दिमाग में बात बैठ गई चलो अब देखना अब इसको पढ़ोगे ना तो और भी इजी हो जाएगा अब ये देखना इसको लिखा रहने दो अब पढ़ते हैं हम हमने देखा कि भाई एक वर्ड यूज करा गया आप देखो मैं कुछ भी नहीं कह रहा मैंने तो एक भी वर्ड अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं बताया आपको इसमें बोला गया आपसे पहले ही कि एक परिमित अरिक्त समुच्चय तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है परिमित का मतलब होता है कि उसके अंदर फिक्स एलिमेंट होंगे जिनको अपन गिन सकते हैं पढ़ सकते हैं उसे कहते हैं फाइनाइट ठीक है तो भैया हमने क्या करा कि यार अपनी इच्छा से हमने क्या करा यहाँ पे एलिमेंट मान लिए और वो एलिमेंट मेरे पास में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन भैया आपकी इच्छा है मैं चाहूँ तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी मान सकता हूँ लेकिन ए बी सी डी क्या है कि भैया जी तक होते है छब्बीस अक्सर होते हैं एलिमेंट में तो इसलिए मैंने कहा कि इसको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री मान लेते हैं ठीक है जनरली हम एग्जाम्पल लेते हैं ना कि भैया मेरे पास में एक सेट जी है तो वो जो सेट मेरे पास जी हो जाएगा उसके अंदर ए कोमा बी कुम सी एलिमेंट भैया ए बी सी डी कहाँ तक लिखोगे छब्बीस तक तो उसको छब्बीस तक मत लिखो ना हमें थोड़ा सा क्या बड़ा बताना है उसको तो बड़ा बताने के लिए हमने कहा कि हमने कहा भैया इसमें x1, x2, x3, xn तक हमारे पास में परिमित एलिमेंट हैं फाइनेट अवयव हैं ठीक है तो सभी जो एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं कि अलग अलग हैं ये तो फिक्स बात है क्योंकि भैया किसी भी ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट रखेंगे ऐसा तो थोड़ी है कि हमने यहाँ पे जी रख दिया और वन कोमा वन कोमा टू कोमा टू ये कभी भी ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि ग्रुप में या सेट में जो एलिमेंट आते हैं वो यूनिक आते हैं मतलब अलग अलग इस प्रकार लिखेंगे तो इसका मतलब है कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सारे एलिमेंट अपने डिफरेंट डिफरेंट है सारे अलग अलग हैं देखो भैया जिस बात का ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट दोनों यूनिक होते हैं उस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा यहां पे यूज किया गया है हमने क्या कहा कि इन सभी एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट मैंने माना एक ऐसा ही मान लिया वो मेरे पास में एक्स है ऐसे मुझे लोडिंग मांग रहा है इसको चलने तो क्या है चक्कर पड़ गया इसमें <laughs> वीडियो बफरिंग हो रही है भैया हाँ भाई खत्म हो गई चलो हमने क्या कहा कि कोई भी हमने एक्स एलिमेंट मान लिया बीच में ठीक है कोई से मान लो तो हमने क्या करा भैया एक्स एलिमेंट माना तो एक्स स्टार एक्स वन अब देखो साफ सी बात है कि मेरे पास में अगर हमने कोई एक्स एलिमेंट माना है तो उस एक्स एलिमेंट का मैं ऑपरेशन इन सभी एलिमेंट के साथ में करवा सकता हूं ऐसे क्या बात है ये मैंने इस एक्स का ऑपरेशन सभी एलिमेंट के साथ में करवा दिया ठीक है करवा दिया भैया देखो अब एक्स वन स्टार एक्स मेरे पास में एक्स स्टार एक्स टू और एक्स स्टार एक्स वन सभी भिन्न भिन्न एलिमेंट यदि संभव है तो माना कि मेरे पास में एक्स जो है एक्स जो है वो स्टार के आगे मेरे पास में एक्स आर और बराबर मेरे पास में एक्स स्टार एक्स एस अब आप अगर थोड़ा सा डीप में घुसने की कोशिश करो अंदर की तरफ तो थोड़ा ध्यान से दिमाग लगा के सोचो कि मैंने यहाँ पे क्या माना कि भाई जितने भी एलिमेंट थे सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो मैंने कह दिया कि एक एलिमेंट मेरे पास में एक्स आर है और एक मेरे पास में एक्स एस है अब आप ध्यान दो कि ये मेरे पास में जो एक्स से मैंने मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे देखो एक्स आर बराबर एक्स एस ठीक है तो अब यहाँ पे देखो कि आप जो कि असत्य है विच इज रॉन्ग अतः जी के अवयव ए बी सी इस प्रकार होंगे कि अब आप में से बहुत सारे सोचेंगे कि गुरु जी अभी तो आप एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री मान रहे थे और अभी आप ए बी सी कहाँ से बीच में लेके आ गए मेरे पास सुन ध्यान से अभी तो आप क्या कर रहे थे कि भैया एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करा और फिर एक्स आर एक्स एस मैंने माना ऐसे कुछ माना ठीक है फिर आप कह रहे कि भैया तो गलत है और ये गलत करने के बाद आप ये कह रहे हो कि मेरे पास में जो ए बी सी जो एलिमेंट है उनका एग्जिस्टेंस कुछ इस प्रकार से होगा ए स्टार बी बराबर में सी अतः समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी अब ये कहां दे रखा है अगर आप ध्यान दो कि मेरे पास ए स्टार एक्स बराबर क्या है मेरे पास बी ये तो आपको स्टेटमेंट सेकंड में दे रखा है ठीक है अतः एक अद्वितीय हल प्रदान करेगा तो यहां पे ए स्टार बी बराबर में एक्स वन प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन इसी प्रकार वाई स्टार ए बराबर बी अद्वितीय हल प्रदान करती है ठीक है अब यहाँ पे इससे ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा वो सीखने को यही मिलेगा तीन स्टेप में मैं इसका आंसर आपको बिल्कुल समझा रहा हूँ ध्यान समझना तीन स्टेप के अंदर सफिशेंट कंडीशन पहले हमने कहा कि मेरे पास में जी मेरे पास में एक सेट है और इसके अंदर एक्स वन एक्स टू बहुत सारे एलिमेंट है एक्स एन तक हमने कहा कि कोई सब एलिमेंट ले लिया मैंने एक्स स्टार और हमने इनमें से ये एलिमेंट माने थे बहुत सारे तो एक एक्स एक आर मान लिया एक मैंने एक्स एस मान लिया और स्टार से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अब इसमें बोला है कि यदि संभव है तो माना कि भैया हमारे पास में ये एलिमेंट है आपस में बराबर हो सकते हैं अब ये संभव कैसे हो सकता है कि मेरे पास में दो एलिमेंट जो हैं वो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं ठीक है अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सर आपने ये बात हमें क्यों बताई कि भाई सारे एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे ये कैसे पॉसिबल ये फिर बताने की आवश्यकता क्या पड़ी बताने की आवश्यकता यही पड़ रही है क्योंकि कोई भी जो ग्रुप आपका होगा कोई भी आपका सेट होगा उसके अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा और एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा इसका मतलब है कि उन एलिमेंटों में से एक एलिमेंट आपका इनवर्स भी होगा एक एलिमेंट आपका आइडेंटिटी भी होगा तो पहले एक कंफर्मेशन देनी पड़ेगी अपन को यह बताना पड़ेगा कि जो एलिमेंट हमारे पास है वो सारे अलग अलग हैं कोई भी एलिमेंट मिला हुआ नहीं है तो इस स्टेटमेंट से जो लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट से थोड़ा बहुत हमने देखा कि चलो ठीक है एक एलिमेंट माना तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से दोनों तरफ ठीक है यदि संभव है पॉसिबल है तो हमने कहा कि एक्स एलिमेंट हमारे पास समान है और जैसे सेम माना एक्स आर बराबर एक्स एस आ गया तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप ध्यान दो आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उसके मल्टीप्लिकेशन में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा तो हमने देखा कि यार एक्स आर बराबर में एक्स एक्स अब हमने देखा कि यार इन्हीं में से कोई एलिमेंट है मेरे पास में एक्स आर और इन्हीं में से कोई एलिमेंट है एक्स एक्स मेरे पास में तो हमने देखा कि यार दो एलिमेंट कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को रखना मत कि हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ और एक्स आर मेरे पास में एक मेरे पास में एक्स एक्स है इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो मोटिव है वो यही है कि मुझे एलिमेंटों को डिफरेंट बताना है अलग अलग, अलग बताना है डिस्टिंग बताना है तो हमने देखा कि यार चलो ठीक है भाई मेरे पास सारे एलिमेंट अलग अलग हैं तो हम कह सकते हैं कि जो कि रोंग है विच इज रोंग आता है हमारे पास ए बी सी अब अपने पास भाई तीन सेट एक एलिमेंट है मेरे पास भाई अभी मेरे पास में एक सेट जी है उसमें ए कोमा बी कोमा सी मेरे पास में तीन एलिमेंट है और साफ बात है कोई भी दो एलिमेंट का जब मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो रिजल्ट उसी के अंदर से आएगा तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ए स्टार बी मेरे पास कोई दो एलिमेंट है हमने मल्टीप्लाई करा सी के बराबर आया और यहां पे ए स्टार एक्स और वाई स्टार बी जो है मेरे पास में वो यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे अब क्यों करेंगे? यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के पीछे कारण है यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे उसके पीछे कारण ये है कि भैया पहली बात तो आपने जितने भी एलिमेंट है ना उन सभी एलिमेंटों को अलग अलग बता दिया ठीक है और अलग अलग बताने के बाद जो मेरे पास सेकेंड स्टेटमेंट था एक बार उसको देख लेते हैं थोड़ा सा बता देते हैं आपको उसके बारे में सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया गया था मुझे एक बार देख लो ये रहा मेरे पास में ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई और एक्स बराबर ए बराबर वाई स्टार एक्स तो ये मेरे पास में आप देख सकते हो कि एक्स बराबर वाई और एक्स बराबर वाई के और ए और बी जो एलिमेंट मेरे पास में है वो जी में बिलोंग करते हैं ठीक है यहाँ पे तो बी का तो अपन ने यूज किया ही नहीं ठीक है मतलब एक और स्टेटमेंट बन सकता है इससे थोड़ा बहुत आगे चले यहाँ पे हमने लास्ट में क्या लिखा देखो कि जो मेरे पास में यहाँ पे ए स्टार एक्स बराबर में बी और ए स्टार बी बराबर में एक्स मेरे पास में और वाई स्टार ए बराबर में बी मेरे पास में जो सोल्यूशन आएगा वो आपके पास में यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे अब थोड़ा बहुत क्या है मामला इसमें कॉम्प्लिकेटेड है ठीक है आप एक बार कमेंट करके बताओ कि समझ में आपको आया है नहीं आया है नहीं तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो गए होंगे इसके अंदर ठीक है और मुझे भी लगता है कि जो इसका ये आंसर है ना ये वाला आंसर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोवाइड करवा गया है हो सकता है इससे भी सिंपल अपन आंसर प्रोवाइड करवा दें इस क्वेश्चन का ठीक है आपको नहीं लग रहा है, इस सवाल का आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर बेतुका सवाल है ठीक है क्योंकि साफ सी बात है यार एलजेबरा में कितने सारे सवाल हैं सभी का आंसर तो अपन को याद होगा नहीं ठीक है लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉजिक बात करें तो इसमें क्या है कि मज़ा नहीं आया सवाल के सॉल्यूशन में ठीक है आपको लगता है कि आपको समझ में ये सवाल आ गया है ठीक है तो इसको कर लेना नहीं तो एक काम करते हैं नहीं तो एक काम करते हैं इस पूरे सवाल को आप इस पूरी थ्योरम को नोट करके छोड़ देना इसका और भी सिंपलीफाई आंसर अगर होगा तो वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा इसमें मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी ठीक है हालांकि कॉन्सेप्ट तो अब मैंने आपको सिखा दिए ठीक है जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में कम आया होगा हालाँकि कॉन्सेप्ट तो उसका यही है कॉन्सेप्ट इसका यही है कि भाई आइडेंटिटी हो गया और इनवर्स मेरे पास हो गया दोनों यूनिक एलिमेंट होते हैं तो मैंने यूनिक लास्ट में प्रूफ कर दिया है लेकिन जो प्रूफ किया है ना उसमें दम नहीं है मतलब कभी उसको वो मान रहे कभी वो मान रहे तो मुझे लगता नहीं है कि यह आंसर आपके समझ में ढंग से आया होगा और बच्चा इसको याद भी रखेगा ना तो किस मेथड पे याद रखे यार ठीक है तो इस वाले आंसर को थोड़ा आप छोड़ देना ठीक है मुझे लग रहा है ऐसा और इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हो सकती है जहाँ तक मुझे लग रहा है तो एक बार मैं इसको देख लूँगा और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके जो आंसर आएगा और भी उसको मैं आपको सिखाऊंगा ठीक है बात समझ में आ रही है आप सभी को तो इसको छोड़ देना भाई ऊपर वाला तो सही था इसकी जो नेसेसरी कंडीशन थी वो तो ठीक है लेकिन नीचे वाली जो कंडीशन है उसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड मामला लगा होगा समझ तो में आ गया है तो अच्छी बात है ठीक है नहीं तो मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करके आपको समझा दूंगा तो कल अपनी क्लास जब होगी तो इसी क्वेश्चन के ऊपर आके चर्चा करेंगे अपन इसी थॉर्म के ऊपर ठीक है और आप एक बार देखना बुक में पढ़ना क्या स्टेटमेंट था क्या नहीं है क्यों अपन ऐसा कर रहे हैं ठीक है हालांकि दो तीन चीज़ों के बारे में तो ज़रूर पढ़ के आना आप कौन चीज़ों के बारे में एक तो मैं यही कह रहा था आपसे कि मेरे पास में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं आपके वो यूनिक होते हैं मतलब आपका ई होगा और जो आपका इनवर्स एलिमेंट होगा वो दोनों यूनिक होते हैं एक तो ये थ्योरम पढ़ के आना आप और इसके साथ साथ में दूसरा कॉन्सेप्ट तो यही होगा कि जी मेरे पास में अगर कोई सेट है या फिर कोई ग्रुप है तो उसमें जितने भी एलिमेंट है सारे डिस्टिंग होते हैं सारे अलग अलग होते हैं ठीक है बस इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना बाकी फिर देखते हैं कल इसका जो एक्चुअल प्रूफ है को तो देखते हैं एक बार और क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है और भी इसको सिंपल किया जा सकता है कि नहीं एक बार कल देख के आपको बताते हैं ठीक है तो आज की क्लास में इतना ही उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और नहीं सीखा है तो इस क्वेश्चन को देख लेना फिर समझ में आ जाएगा कि हमने क्या सीखा है ठीक है चलो भाई आज के लिए इतना ही और हम मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर भाई भाई धन्यवाद जय हिंद जय भारत ठीक है मैं आपके कमेंट भी देख लेता हूँ भैया एक मिनट रुको भाई कमेंट भी आप सभी चेक कर लेते हैं ठीक है सर प्लीज़ पीपीटी से मत पढ़ाओ हमें कविता सब कह रहे हैं सर पीपीटी से मत पढ़ाओ हमें नींद आती है अच्छा 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 चलो भाई एक काम करते हैं फिर आपको पीपीटी से दिक्कत आ रही है तो हम कल से ही अपनी पूरी जो क्लासेज है प्रॉपर चलाते हैं बोर्ड के ऊपर ही पीपीटी से नहीं पढ़ाएंगे ठीक है अब देखो यार एक बात हूँ आपको मैं नींद आने वाली बात तो ऐसी है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ाई में तो फिर नींद ही आएगी सिंपल सी बात है नींद ही आएगी और भाई पढ़ाई का टाइम देखो आप खुद का सेट भी नहीं है जैसे अब रात को क्लास चल रही है हालांकि टाइम भी नींद आने का ही है अगर आप देखा जाए तो पढ़ाई का टाइम तो ये है नहीं वैसे अगर आपने थोड़े तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं और मैं हर बात को जो बोल रहा हूँ उसको पकड़ रहे हो आपका माइंड चल रहा है तो फिर नींद कहाँ से आएगी नींद कैसे आएगी फिर बताओ नींद आने का सवाल तो तब है कि जब मैं कुछ बोल रहा हूँ और आपके समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूं मैं कह क्या रहा हूं नींद आने का सवाल तो वही है तो बातों को पकड़ना सीखो यार फिर जैसे मैं बात बोल रहा हूं आपसे कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ये यूनिक होते हैं अद्वितीय होते हैं तो इनके बारे में आपको पता ही नहीं है कि ये कैसे होते हैं तो फिर आपको नींद आएगी दिमाग में जब तक इमेज बनेगी तब तक जैसे मैंने कहा अभी आपके दिमाग में इमेज बना रहा हूं मैं जैसे कि मैं कह रहा हूँ भाई जयपुर दिल्ली मुंबई अमेरिका विराट कोहली एम एस धोनी तो जितनी भी चीज़ों का मैं नाम ले रहा हूँ आपके दिमाग में इमेज बन रही है और जैसे मैंने नाम लिया यहाँ कि भैया अभेलियन ग्रुप हो गया प्रॉपर्टी कोई सी भी हो गई अगर वो लेते आपके दिमाग में लग रहा है कि यार ये कैसे होती है क्या होती है और सारी सुई को बार बार बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं और वो हमें समझ में नहीं आ रही है तो फिर उसका मतलब है कि आपने उसको पढ़ा नहीं है ढंग से ठीक है और यहाँ पे कविता कह रही है कि सर हम क्या टाइम पास करते हैं हम देखो टाइम पास से करने का तो मुझे पता नहीं है बाकी मुझे बताओ भाई समस्या क्या आ रही है यहाँ पे भाई कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप पीपीटी के माध्यम से नहीं कह रहे हो कि भाई सिंपल पढ़ाओ ठीक है तो मैं सिंपल पढ़ा दूँगा लेकिन फिर फिर किसी का भी ये कमेंट नहीं होना चाहिए फिर डाउट नहीं होना चाहिए कि सर Uh, सिलेबस थोड़ा पीछे है हमारा मैं फिर उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं रहूँगा क्योंकि साफ सी बात है एक डेढ़ घंटे क्लास जितना हो सकता है मैं ले रहा हूँ पॉसिबिलिटी उतनी है और जितना भी क्लास में हो पाएगा उतना ही हो पाएगा फिर ठीक है चलो आज क्लास में इतना ही फिर कल देखते हैं